सब गाइस, इट्स योर बॉय इशी फ्रॉम शीशा फीड और आज हमें हुका 101 हाउ टू क्लीन योर हुका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा हुका जिसको करेंगे हम आज क्लीन। सो मेन चीज आपको क्लीनिंग के ऊपर दो चीजें बता देता हूँ कि हुका को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये टाइम टू टाइम करना चाहिए हर एक यूज के बाद। मैं तो कहता हूँ हुका अपना क्लीन करने की कोशिश करो, पर हाँ हम थोड़े से आलसी हैं। सो लाइक ये आज पिया तो कल क्लीन कर लेते हैं, तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो मेन क्या है कि आज को मैं आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे बताऊंगा कि हुका को कैसे क्लीन करें और उसमें से बाद में जो पहले फ्लेवर पिया, जो कोई भी चीज पिया, उसकी स्मेल ना आए। सो उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए एप्पल साइडर विनीगर, जो कि हमने थोड़ा सा ले लिया है यहाँ पर गिलास में। सो एप्पल साइडर विनीगर या फिर नॉर्मल विनीगर भी चलेगा, साथ में अपना बेकिंग सोडा थोड़ा सा एक चम्मच, और ये हमारा सदाबहार विम। ये तो सबसे ज्यादा काम की चीज है, 20 रुपए की है पर 1000 जितना काम लेती है। तो हमारा स्टेम साफ करने के लिए औजार, और एक चीज और है वो मैं थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना हुका है इसको क्लीन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें जो अपना कोल होता है या पानी डला रहता है, तो इसके टाइम टू टाइम अगर वो पड़ा रहता है तो इसमें हैजर्ड्स होने के कारण हो सकते हैं, जिसकी कि आप सिक भी हो सकते हो धीरे धीरे, कोई भी इसमें अपनी अपने क्या सकते बैक्टीरिया वगैरह भी लग जाता है, बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से है ही, अगर आप 3-4 बंदे यूज कर रहे हो ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि लाइक की बैक्टीरिया का भी आना पॉसिबल है, क्योंकि वो भी पर्च करते टाइम अपना फूक बीच में मारते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। 20 चीजें हैं इसमें अगर कह सकें तो। सबसे पहले हम इसको ऊपर से अनस्क्रू करेंगे, ये हमारा ये अपनी प्लेट, ये हमारा स्टेम सिस्टम, और ये हमारा अपर पार्ट, ये हमारा हुका का हर्ट, इसको भी खोल लिया। ये देख सकते हैं कि यहां तक फ्लेवर आ चुका है। ठीक है, अपने आप हिसाब लगा लो कहां तक फ्लेवर होता है। और ये रख दिया हर्ट, इवन की डिफ्यूजर भी अगर खोल सकते हो तो खोल कर दो, ये डिफ्यूजर खोल दिया, और ये रख दिया साइड पे। और मैं दिखाता हूं अभी आपको बेस पहले, तो जो कि क्लियर बेस यूज कर ले हैं जैसे कि ये है, तो आप देख रहे होगे ये नीचे बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल आपके इस चीज से तो क्लीन होगा नहीं। पहली बात तो ये इस चीज से ये अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे करके नहीं क्लीन होगा। सो इस चीज को क्लीन करने के लिए हम यूज करेंगे, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला वाइट वाला पार्ट है ये अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पाता, इवन की कई बार ये रिंग साइड भी अच्छे से क्लीन नहीं होती। तो इसको क्लीन करने के लिए हमारे पास एक जादुई चीज है, फक सो इसे कहते हैं राइस। सो राइस बहुत बढ़िया वर्क करते हैं अगर आपने बेस को क्लीन करना है। उसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ अभी एक मिनट, पहले मैं इसमें लूंगा थोड़ा सा पानी। सो ये ले लिया हमने अपना पानी, एंगल चेंज यहाँ पर हमने ले लिया बेस में पानी। इसमें डालेंगे हम अपने वही राइस, ज्यादा नहीं डाल रहे, कितने राइस डाल दिए जिससे कि हमारा क्लीन अच्छे से हो सके। ये हमारा बेकिंग सोडा ठीक है, और साथ में अपना वही विनेगर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। विनेगर और बेकिंग सोडा से क्या होता है, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके का एक तरह इसको क्लीन करने वाला नेचुरली तरीके से बिना किसी केमिकल के ये एक प्रोडक्ट बन जाता है, जिससे कि आप अपना बिना किसी भी चीज़ के टेंशन के इसको साफ कर सकते हैं। और साथ में अपना सोप विम वाला, विम कोलैबोरेशन नहीं है भाई ओनली विम ठीक है। तो इसको हम करेंगे ऐसे घुमाएंगे, तो इसको जब घुमाएंगे तो आप देख सकते हो कि जो राइस है वो अच्छे तरीके से बेस को नीचे से रगड़ रहा है, इवन बेस को भी ऐसे, और इसको ऐसे भी शेक कर सकते हो ठीक है, और इसको दोबारा से ऐसे हिला सकते हो। तो इससे क्या होगा, देख सकते हो कि सारा का सारा बेस नीचे से हो चुका है नई की तरह साफ ठीक है। और इसको जो हमारे यहाँ पर लाइन होती है उसको साफ करने के लिए हम यूज करेंगे अपना ये वाला टूल, इसको थोड़ा सा करेंगे बेंड और ये डाला बीच में, और ये लीजिए अपना काम हो गया शुरू। इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इवन कि इससे क्या होगा ये यहाँ पर भी अच्छे से साफ हो जाएगा। मेन तो नीचे का होता है कि नीचे अच्छे तरीके से ये नहीं पहुंच पाता, पर इस चीज से ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो रहा है,
इवन की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। सो ये हो गया हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ, और इसको मैं एक बार धो लेता हूँ। तो जिसको अगर आप चाहें तो इसी राइस को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं इसी चीज़ से इसको पूंगकर, पर सॉरी पर अभी वीडियो के लिए तो मैं इसको जाने ही दूंगा, अनाज वेस्ट मत करो, सॉरी मेरी तरफ से भी, पर इसको अभी के लिए सॉरी, आगे से नहीं होगा। तो ये हमने कर दिया अपना बेस नेचुरली तरीके से साफ बिना किसी भी प्रॉब्लम के, और देखिए ध्यान से ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी नया आया है, बिल्कुल नया। इवन स्मेल दैट गुड, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है, पिछले फ्लेवर का 1% भी स्मेल नहीं रहा। और अभी हम बना रहे हैं अपने बाकी के सामान के लिए एक बात बढ़िया सा पूरा, उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक अपनी छोटी सी बकेट, बकेट रखी यहाँ पे, और ये रखी हमने बकेट, और बकेट को भरने लगा दिया। इसमें भी सेम चीज, विम, विम के साथ एक स्पून विनेगर, अपना बेकिंग सोडा और अपना वही विनेगर। इससे क्या होगा, हमारा दोबारा से एक बढ़िया तरीके से बढ़िया पूरा का मिक्स बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आधा भर लें और धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट इसमें डालना शुरू कर दें, जैसे कि ये और जहाँ पर आपको पता है ये मेरा रेडियम है, ठीक है। इसको मैं सिर्फ डिप करके निकालूंगा, ज़्यादा देर अंदर नहीं रखूँगा, इसको सिर्फ मैक्सिमम 2-3 मिनट अंदर रखूँगा। और ये है सबसे मेन पार्ट, इनको अच्छे तरीके से साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले हमने इसके अंदर इसको डाल दिया, इवन हैंडल भी, हैंडल का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार ऐसे रख दिया, थोड़ी देर बाद निकाल कर ऐसे रख दिया। सो मेन तो इसको जो इसके स्टेम है उसको साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसके लिए यहाँ पर हमने एक निकाल लिया अपना ये पार्ट, इसको कैसे क्लीन करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा बड़े वाला ले लिया, इसमें छोटा साइज भी आता है। सो इसमें पहले आधा डालूंगा इधर से, फिर निकाल लिया बाहर, फिर आधा डालूंगा इसमें, और ये हो गया हमारा अच्छे तरीके से स्टेम का ये वाला पार्ट साफ। इसको फिर से निकाला, एक बार रखा साइड पे, पाइप में तो थोड़ा सा इशू होगा, नहीं जाएगा। सो इसको मैं थोड़ी देर ज़्यादा रखूँगा इसको भिगाने के लिए, ठीक है। और बाकी बात करें अपने ये वाले स्टेम की पार्ट की, तो इसमें भी अच्छे तरीके से इसको डालकर अंदर से बढ़िया तरीके से घिस लूँगा। सो ऐसे ही आप हर एक खूका के हर एक पार्ट के साथ कर सकते हैं, जो जो खुलें, ये ना हो भाई अपने हिसाब से क्या क्या खोल के बैठ जाओ। तो इससे सॉरी, सो इसको ऐसे डालिए और ऐसे करके क्लीन कर लीजिए। थोड़ा सा छोटे साइज में लेना, मैंने बड़े में लेकर थोड़ा सा इशू कर लिया। सो बाकी मेन आ गया अपना हार्ट, हार्ट को बस घिस दीजिए इससे अच्छे तरीके से। सो ये हो गया सारा का सारा क्लीन। और बाकी बात करें, ये अपना डिफ्यूज़र और ऊपर वाला पार्ट, अपनी कोल्ड ट्रे, ये भी अच्छे तरीके से साफ हो गई। इससे सारा का सारा बैक्टीरिया ख़त्म हो रहा है जो भी इसके ऊपर लगा होगा जब बना रहा होगा। सो पूरा बढ़िया क्लीन हो रहा है। और बाकी करें बात अपने पाइप की, तो पाइप को आप कैसे कर सकते हो, इसको थोड़ा देर ज़्यादा इसमें अच्छे तरीके से भिगो कर रख सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा पान वगैरह जैसे कुछ फ्लेवर्स पिए हैं जो कि जल्दी पाइप से नहीं निकलते, तो उसमें क्या होगा, आप इसको अच्छे तरीके से डुबो कर रख दीजिए और इसको बीच बीच में एक दो बार ऐसे करके जो इसके अंदर पानी है उसको डालकर ऐसे अच्छे तरीके से हिला कर साफ कर सकते हैं। और ये निकल गया, और फिर से इसको जैसे आपको सही लगे रोल करके जैसे भी इसको अंदर आराम से डालकर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। और उससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से जो भी इसके अंदर होगा स्मेल या कुछ भी होगा वो साफ हो जाएगा। इवन के कुछ लोग इस चीज़ के लिए गर्म पानी भी यूज़ करते हैं, वो भी मेथड बहुत बढ़िया है। और एंड में कुछ नहीं करना, सारा का सारा पानी
पानी डोलो अपना एक ग्लास और अपने सभी के सभी पार्ट्स को अच्छे तरीके से साफ पानी से वॉश कर लो बिल्कुल। तो ऐसे आपका हो गया हुक्का साफ। और हर सेशन में जो भी टेस्ट होगा फ्लेवर का वो भी आपको आएगा, कोई भी बेकार सा पुराना टेस्ट नहीं आएगा, किसी भी तरह का हेल्थ इशू नहीं होएगा या हेल्थ हैज़र्ड नहीं होएगा। आपका ये हो गया हुक्का साफ। सो इसको बाद में मैं धूप में या फिर अपना एक ब्लैंकेट बिछा कर उसके ऊपर सूखने के लिए रख दूँगा और फिर क्या उसके बाद साफ करने के बाद यूज़ करेंगे दोबारा। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में और नए स्टफ के साथ इन्फॉर्मेटिव एंड क्लीनिंग के ऊपर। इशू बॉय ऋषि फ्रॉम शीशा फीट।